ओवरलोड वजह से। आपका ट्रांसफार्मर को 10 आदमी को देना था, 15 आदमी ले लिया। घर घर में एसी है, गर्म दिन है, इसीलिए इसी का वजह से वायर टूटता है। हेलो एंड वेलकम टू डीएमके न्यूज। इस वक्त मैं खड़ी हूँ दोईमू के एसडीओ ऑफिस के बाहर में, क्योंकि यहाँ पे बस कुछ ही मिनट पहले यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रिसिटी वायर है, जो 440 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी जो कैरी करते हैं, वो जो है ये वायर, वो अपने पोल से टूट के सीधा रास्ते के बीचों बीच गिर गया। और ये रास्ता जो है, इट्स अ वेरी वेरी बिजी रोड, और थैंकफुली किसी भी तरह का कुछ भी इंजरी यहाँ पे किसी को नहीं हुआ। और आपको दिखा दूँ, जो आप देख रहे हैं वहाँ पे ना, जो ये पोल है वहाँ से टूट के ये वायर जो सीधा इतना बिजी रोड में गिर गया। और उसके बाद ये इंसिडेंट होने के साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट वाले हैं, उन्होंने अपने इलेक्ट्रिशियंस को भेजा, और जो इलेक्ट्रिशियंस अपना काम कर रहे हैं वहाँ पे, इस जो भी यहाँ में डैमेज हुआ है, जो वायर टूट गया है, उसको फिक्स करने की वहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। आपको अभी दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिशियंस जो है वो दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू यू नो रेक्टिफाई द सिचुएशन। जो भी डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अभी देख सकते हैं कि इस वक्त भी ये रोड कितना बिजी है। और जस्ट इमेजिन, इतना बिजी रोड में एक 440 वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने वाला वायर गिर गया। आप ये भी इमेजिन कर रहे हैं, अगर लाइक ये वायर अगर किसी इंसान पे गिरता, या फिर किसी चलते हुए गाड़ी पे गिरता, तो ये एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑकर हो सकता था यहाँ पे। और इस उस वक्त हम किसको ब्लेम करें इस सिचुएशन को, इस जो भी अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो आपको हम दिखा दें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिशियंस है वो अपना काम कर रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको जल्द से जल्द रिपेयर करने के लिए। वो जो आप पोल देख रहे हैं ना, इस वक्त वहाँ से गिरा था वो जो वायर, जो ना वहाँ से गिरने के बाद रास्ते के बीचों बीच गिर गया पूरी तरह से फ्लैट। लेकिन टाइमली इंटरवेंशन बाय द पावर डिपार्टमेंट, उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिशियंस है उसके वजह से पावर कट हो गया और किसी को भी कुछ भी हार्म नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने जो पावर डिपार्टमेंट वाले अथॉरिटी से उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे हमने ये इस सिचुएशन के बारे में और कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस वक्त कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। तो जब इस तरह का पावर सप्लाई कट होता है, या फिर इस तरह का कुछ पावर यू नो इंसिडेंट हो जाता है, तो अगर हम ये पावर डिपार्टमेंट वाले, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले हैं, उनको अप्रोच नहीं करेंगे तो किसको अप्रोच करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। बिकॉज इस वक्त जो अथॉरिटीज़ है, जिनसे भी हमने कॉन्टेक्ट किए, वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। और आप जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर यहाँ पे रास्ते में हर रोज़ लोग आना जाना करते हैं, और इतने बिजी रोड में एक 440 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने वाला वायर गिर जाता है, तो अगर गलती से किसी ने उसे छू दिया होता लाइक पावर कट होने से पहले, तो किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस होता। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी अथॉरिटीज़ है ना, वो इस तरह का जो भी इंसिडेंट होता है उसको फिर से रिपीटेडली ओकर ना होने की कोशिश करें, ताकि यहाँ में जो भी रेसिडेंट्स है, सिर्फ यही एरिया में नहीं, अगर दूसरों एरिया में भी ऐसा होता है, वहाँ के रेसिडेंट्स सेफली रहे बिना किसी डर के कि ये इलेक्ट्रिक वायर कब टूट के कब रास्ते में आ जाए, और कब उनको लाइक यू नो किसी डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़े। ये जो इलेक्ट्रिसिटी अभी टूटा है ना, और आप लोग यहाँ में रिपेयर करें, तो आपको कब क्या लगता है, कितना कब तक ये जो आप लोग रिपेयर कर, ये तो एक घंटा का जैसे हो जाएगा। और ये गाड़ी घोड़ा भीड़ है, भीड़ होने से भी हम लोग को तो काम करने नहीं सकता है। ये लाइन टूटा है, मतलब ओवरलोड से लाइन टूटा है, ये हम लोग का पावर डिपार्टमेंट का नहीं है। इसे लूट ज़्यादा हो गया, पब्लिक के भी वो भी ऐसी चला रहा है, इसीलिए लाइन ज़्यादा लूट हुआ है बोल के थोड़ा टाँग को डैमेज हो गया, पुराना टाँग है डैमेज हुआ बोल के टाँग को टूट गया है। इस वक्त ये लोग यहाँ ये जो इलेक्ट्रिशियंस है वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एज यू कैन सी, यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत आ जा रहे हैं, और उनका जो काम है उनको करने में तकलीफ हो रही है। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इतने बिजी रोड में एक इलेक्ट्रिसिटी वायर, वो भी इतना ज़्यादा वोल्टेज कैरी करने वाला, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, ये कोई छोटी बात नहीं है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता था। लेकिन लकीली किसी भी पर्सन, या फिर किसी भी एनिमल को, या फिर किसी भी यू नो लिविंग थिंग को किसी भी तरह का कोई भी इंजरी नहीं हुआ। सर, आप लोग जो ये जो कब तक बन जाएगा? अभी हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, गाड़ी डिस्टर्ब नहीं होना, अभी हो जाना था। तो ये जो क्या अंदर ये जो टूट गया ना वहाँ से, मतलब ये जो वायर जो टूट के निकला है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, लाइक क्यों टूटा है ऐसा? ये ओवरलोड वजह से।
आपका ट्रांसफार्मर को 10 आदमी को देना था, 15 आदमी ले लिया, घर घर में एसी है, गर्म दिन है, इसीलिए इसी का वजह से वायर टूटता है और ट्रांसफार्मर भी लोड नहीं लेता ले पाता है, यही वजह है। अभी आपने सुना कि जो यहाँ पे यहाँ के इलेक्ट्रिशियन है उन्होंने बताया कि वन ऑफ द मेन रीजन जो ये वायर टूटा है इट इज़ ड्यू टू ओवरलोड। ओवरलोड मतलब जो जितना कैपेसिटी है इस वायर का, जितना लाइक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं उससे ज़्यादा यूज़ की है यहाँ के लोगों ने। तो जो अथॉरिटीज है, जो पावर डिपार्टमेंट वाले, वो अगर वो लोग ये सब जो चीज़ है उसे रेगुलेट करते, लाइक जो लोग कितना कौन कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, अगर वो लोग उसे रेगुलेट करते तो शायद ये इंसिडेंट होता ही ना। और अगर ये इंसिडेंट ना होता तो जो इलेक्ट्रिशियन है उनको इतनी रात में अपने रेसिडेंट से नहीं निकलना पड़ता और इतनी रात को उन्हें ये टायरिंग वाला टास्किंग वाला काम नहीं करना होता। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी अथॉरिटीज है ना, जो पावर डिपार्टमेंट वाला है, वो ये सब चीज़ को ध्यान में रखे और ये सब चीज़ जो ओवरलोड ओवर कंजम्पशन होता है उसको भी रेगुलेट करे। दिस इज ड्रीम दाइन एबम विद कैमरा पर्सन एबम जोसेफ, डीएमके न्यूज़।